सब, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। दिस इज़ मी अंजलि। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वेल। सो हम लोग आए हुए थे भोपाल क्योंकि था पेपर। सो कल हमारा जो पेपर था वो हो गया है। सो आज अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। सुबह के 11 बजे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी ये मेरे को पता नहीं है। हम लोगों के भाई लोगों को पता है जो आगे चल रहे हैं। मेरे को धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लोग आ गए हैं थोड़ा घर से बाहर। यहाँ से ऑटो पकड़ के जाएंगे वहाँ पे। ये हम लोगों के भाई है। और ये लाल परेड ग्राउंड है, यहाँ पे पुलिस वाले। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सैर सपाटा, जो आप पीछे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये तीन चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। क्या तीन चीजें अच्छी बताओ? रेस्टोरेंट, फूड जोन और आइसक्रीम पार्लर। कोई भी नहीं है, सिर्फ ओनली हम ही हम दिख रहे हैं। दो चार लोग घूमने आए थोड़ी लग रही है जाना ज्यादा है। गर्मी में हमारे भाई लोग हमको लेके आ गए हैं क्योंकि फिर 3 बजे हम लोगों की ट्रेन भी है, फिर जाएंगे अपने घर। गाइस ये बादाम का पेड़ है जो यहाँ पे ये ब्रिज आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर है। हम लोग कल आ गए थे और हम लोग गए थे घूमने के लिए डीबी सिटी एंड न्यू मार्केट। सो हम लोगों ने व्लॉग ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे और हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और क्या थी, कल एग्जाम भी था तो ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था हम लोगों को। ठंडी ठंडी हवा आती है, पीछे से पानी भरा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे ज्यादा एग्जाम नहीं निकल रहा है। आने के बाद यही कूदना वापस। काफी ज्यादा अच्छा तो लग रहा है वैसे और अगर ऐसे भी लग रहा है। ट्रेन की पटरी, यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, पूरा ग्रीन ग्रीन गार्डन हो रहा है बिल्कुल। हम लोग ट्रेन में भी जाएंगे, ट्रेन में भी जाएंगे क्योंकि हम सुकुनार से बस से आए थे। हम लोग ट्रेन से ही आए थे बट ये वाली ट्रेन भी हम लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कैसी है कैसी नहीं है। फिर जब आप लोग भी आओ तो आप भी इसमें जरूर घूमना। ये पागलों को अपने साथ लेके आ गए हैं। गाइस नोबिता, हम लोगों को अलग अलग कार्टून के लोग मिल रहे हैं। नोबिता डोरेमोन मिल गया। डोरेमोन भी पीछे है आप देख सकते हैं। मैं नोबिता अपने भाई को बनाती हूँ क्योंकि वो नोबिता की तरह है बिल्कुल आलसी। क्या मिला है ये, इसमें अपन झूल सकते हैं क्या? नहीं, ये झूले आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनको बांध के रख दिया। सीट इतनी ज्यादा गंदी है कि कुछ बता ही नहीं सकते हैं। बोटिंग के लिए 50 रुपए। यहाँ पे झूले तो काफी सारे हैं, अलग अलग वेराइटीज के भी हैं बट सारे ही कबाड़े डले हुए हैं। मैं बता भी नहीं सकती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब खराब डले हुए हैं। यहाँ पे लेकिन हम टाइम के साथ ही चलेंगे पूरा। ये बच्चे ना आ रहे हैं, पता नहीं किसके बच्चे ना। आपको ट्रेन दिख गई है, यहाँ पे जा रहे हैं ट्रेन में जाने के लिए। पता नहीं हम लोग घूम पाएंगे या नहीं क्योंकि सिर्फ हम 3-4 लोग ही हैं तो इतने कम लोगों को तो वो घुमाएंगे नहीं ऑब्वियसली। वैरायटी हर पर्यटन स्थल की है, पर देख वो भीमबेट का भी दिख रहा है उधर सामने। गाइस यहाँ पे मत आना, तुम 30 रुपए फालतू लगेंगे। तुमने कुछ भी नहीं है इसमें घूमने के लिए, कुछ 30 रुपए में टिक्की पीना भरपेट। यहाँ मत आना, मेरी आपसे विनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनगण मन चल रही है, बिल्कुल जनगण मन चल रही है।
का टिकट ले रहे हैं, बस यही है घूमने लायक, और तो कुछ है भी नहीं, तो हमने सोचा चलो घूम ही लेते हैं अब। और ट्रेन भी आ चुकी है, अब हम लोग जाने वाले हैं, जल्दी चलो गाइस। यहाँ पे टीसी वगैरह कोई नहीं है, हम लोग रियलिटी की ट्रेन में घूम के आए हैं, बट हम लोगों को कोई भी मजा नहीं आया है। अभी ट्रेन में अब देखते हैं कैसा लगता है, यहाँ पे पूरे पार्क का देखते हैं कैसा लगता है। अभी तक तो पागल बना दिया है, देखते कितना पागल बनाते हैं। हेलो गाइस, ट्रेन में बैठ चुके हैं, अभी जाने में थोड़ा टाइम है। बिहार जा रहे हैं हम लोग, पचमढ़ी, यहाँ से हम लोग पूरे शहर घूम लेंगे। यहाँ से कर दो अंकल एक बार करे, बहुत मजा आ रहा है। और ये देखिए ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन में मजा आ रहा है, मजा। हेलो गाइस, रियलिटी की ट्रेन में मजा नहीं आ रहा था, बट फेक वाली में तो बहुत आ रहा है। और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हम पेड़ पौधों के पास से गुजरते हुए। और बहुत गाइस ये हॉरर टनल है, और यहाँ से टनल के अंदर से हम जाते हुए आप देख सकते हैं कितना मजा आ रहा है। ये देखिए हम टनल में से गुजर के आ चुके हैं, और ये बहुत मजा आया उस टनल में। छोटी सी टनल थी पर टीप थी, बहुत ज्यादा टीप होना था, बस बहुत ज्यादा मजा आता, अभी भी बहुत अच्छा लगा है। हम तो अभी गाइस अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, और बस पहुंच के आप लोगों को ट्रेन में उतर के फिर हम लोगों का स्टॉप आ चुका है। ट्रेन टीसी तो इसमें आया नहीं है, हम फ्री में फायदा ले सकते थे, लेकिन हम अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं हम लोग। इससे अच्छा तो हम लोग ऑटो से आ गए थे, क्यों वो इलेक्ट्रिक वाली ऑटो थी उसमें भी तो ऐसा ही फील आ रहा था। गाइस गाइस यहाँ पे मत आना तुम, बहुत ही बेकार गार्डन है ये, ऐसा है गार्डन तो ये पार्क तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। कहीं घूमने के हिसाब से आप आ सकते हैं, नहीं नहीं अगर एंट्री फीस अलग, फिर वो अलग। 12 साल के बच्चे लोग जो हैं वो निकल रहे हैं यहाँ से कहीं और जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो? वन बिहार जा रहे हैं। और फीडबैक देने का एक नया तरीका अपनाया इन लोगों ने, घंटा बजा कर फीडबैक दो, वो हम देने वाले हैं, सो आपको दिखाने वाले हैं कि हम लोग रिव्यू है। बोलना अच्छा नहीं, मतलब फीडबैक देने के लिए नया तरीका अपनाया है, घंटी बजा कर फीडबैक दो। तो हमें यहाँ के थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा ही लगा, ज्यादा नहीं लगा, तो हम एक बार बस हमने सोचा 30 रुपए खर्च किए तो घंटा तो मजा ही ले। यार